फिर भाई मेरे मोबाइल रख के वीडियो भी बना रहा था अभी फिलहाल, तो लाइव कर रहा था। अब मैं ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो ये देखिए हमारे गांव का खूबसूरत नज़ारा, जो कि सालों के बाद ऐसा मोमेंट आता है। और ये सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बच्चों को भी देख सकते हैं। तो गाइज आज की ब्लॉग की जर्नी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिर ताजिया बनने के बाद होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले के खैराहा गांव की जो ताजिया है वो चिकनी ग्राउंड में पहुँच चुकी है, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल है वहाँ। तो आपने पिछली ब्लॉग वीडियो में देखा था ताजिया कैसे बनती है, और आसूरा का लाइव प्रोग्राम भी आपने देखा है। आज 11वीं मुहर्रम है और ताजिया फ़िलहाल जो है चिकनी ग्राउंड में पहुंच चुकी है, जो कि हमारे खैराहा गांव के मऊहादहा से बस कुछ ही दूरी पे पड़ता है। तो आपसे इल्तिजा है कि वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो इस तरह से जो आप देख सकते हैं खूबसूरत ताजिया मध्य प्रदेश शहडोल ज़िले के खैराहा। हिंदुस्तान हमारा यूं ही अखलाक और मोहब्बत के साथ यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजर बसर करें, लोगों में अखलाक मोहब्बत हो, एक दूसरे से मोहब्बत उल्फत करें। इतनी अजीम शान तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है, ये ताजिया बनाई गई है। मैं आपको बता दूँ ये कुछ ताजियाएँ जो छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे 8-10 साल की इन्होंने बनाया है और बड़े मेहनत और मशक्क़त करके बेचारे तैयार किए हैं। अल्लाह उनको हुसैनी जज्बा मासूम अली असगर का अता फरमाए, आमीन। और यकीनन ये बड़ी खुश नसीबी है, कम से कम मुहर्रम के महीने में ये छोटे छोटे बच्चे या हुसैन 10 दिन तक बेचारे रात रात सोते नहीं। सही बात, बेदार होकर ताजिया बनाते हैं और रात में जगते भी हैं और ऐसे महफिलों का इनकार करते हैं। इनकार करते हैं और तकरीर भी होती है, और तकरीर भी 10 लोग नाज शरीफ भी, नाज शरीफ भी पढ़ते हैं, तो लंगर भी लुटाया जाता है 10 दिन तक कंटिन्यू। और अब फाइनल इख्तिताम पे ताजिया पहुंच चुकी है और ये अपनी मंजिल की तरफ, बस इसके बाद ऊपर और कर लीजिए छाता, जी छाता कर लीजिए, जी 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 हाँ, और इसके बाद जो है मंजिल अपने ताजिया अपने मंजिल की तरफ बढ़ेगी इख्तिताम की जानी। और यहीं से आगे जो है एक नदी है, वहाँ ताजिया ठंडे होती है, ठंडे होती है। रुकी हजरत, फाइनली हम लोग जो है चिकनी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, जहां ताजिया जो है सारी ताजिया इकट्ठी हो चुकी है। तो अगर आप वीडियो जहां से भी देख रहे हैं तो इस तरह का नज़ारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा हमारे शहडोल डिस्ट्रिक्ट के खैराहा गांव में। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखिए मैं कमाल हजरत के साथ हूँ, वो भी वीडियो बना रहे हैं, इस तरह का अभी मोमेंट है यहाँ का। तो यूट्यूब में बने रहें और आपको मैं पूरी जर्नी दिखाऊँगा अपने साथ। तो चलिए सामने से दिखाता हूँ जो ताजिया अभी रखी हुई। नाज़रीन किराम, ये देखिए अजीम शान तरीके से ये ताजिया बनाई गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पूरे इलाके में सबसे शानदार तरीके से मुहर्रम खैराहा की सरजमीन पर बनाया जाता है। एक तरह से अनोखी ताजिया, अनोखी ताजिया, और बड़े ही ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा तादाद में इमाम हुसैन। आपको सिंगल सिंगल हो के आपको भी दिखा देते हैं क्या है, अलग 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 अलग, ये सब, ये देखिए सबसे छोटी ऐसे ये बच्चे, ये बच्चे देखिए इस उम्र के बच्चे ने ये ताजिया बनाया है। ये जज्बा है, ये जज्बा है यहाँ के लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह, या हुसैन कह रहे हैं, ये ताजिया बनाया है इन लोगों ने। अब आगे चलते हैं, बहुत सारी ताजिया, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये इस उम्र के बच्चों ने इस ताजिया को बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये बच्चे हैं और अपनी मेहनत मशक्कत के नतीजे से है, मतलब ऐसा उनको। और ये नौजवान आने कमेटी जो कि सेम टू सेम डिक्टो दिखने वाला हजरत इमाम हुसैन के मुझे बहु अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के कमेटी के नौजवान हैं, इन लोगों ने ये शानदार रोजा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये रोजे हुसैन हू बहू अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ऐसा लगेगा कि हम इमाम हुसैन का दीदार कर रहे हैं, मतलब उनके रोजे की ज्यारत कर रहे हैं, ज्यारत कर रहे हैं। देखिए और बहुत और हौज भी बनाए थे इसमें, और हौज भी बनाया गया है देखिए। और ये मुख्तार भाई सदर, हमारे मुख्तार भाई सदर हैं इस कमेटी के। और ताजिया, फिर और भी ताजिया ले चलते हैं, ये एक बहुत ही शानदार तरीके से। तो क्या है अब ताजिया जाने लग गई है, इसलिए जल्दी जल्दी दिखा, चलिए हजरत आगे चलते हैं। इस वजह से बहुत सी ताजियों को हम दिखा नहीं पाए, फिलहाल जितना दिखाएंगे उतना काफी है। हाँ ये देखिए, ये और
और ताजिया रखी हुई है। एक छोटी सी ताजिया है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत है। इधर इधर भी ताजिया रखी हुई है जी, और खूबसूरत नजारा जो है देखते ही बनता है। ऊपर तो किया हूँ हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब ये ताजिया उठाई जा रही है शाम की जो है। इस बार बारिश हो रही है, पुलिस बल भी बहुत सारी तैनात है जो कि देख सकते हो। और क्या है, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है फिर भी जज्बे ईमानी देखिए, जज्बे हुसैनी जो सब लोग लगे हुए हैं जी जी। और इससे बारिश होने पे है, चारों तरफ से बारिश हो रही है और इसके बावजूद हुसैन के दीवानों का इतना ज्यादा हुजूम यहाँ है, हुजूम है बेशुमार तादाद में, छोटे बड़े। क्योंकि हजरत आपको बता दूं, यहाँ जो है एक खैरहा गांव की नहीं, आसपास के जितने भी शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, मान लीजिए कि मई की साबो बकहो बिहारी और जैतहरी और ये भी देखा जाए, वहाँ के लोग हाजिर होते हैं। तो कहना जज्बा हो हुसैन, इमाम हुसैन का सदका सदका है और रोजे की ज्यारत के लिए लोग आते हैं। ये देखिए फोन आ गया। और यहाँ पास स्कूल भी है जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल है, तो वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कितना कीचड़ हो गया, तब भी मैं लोग बाग नहीं हो जा रहा, पानी बरस रहा है जनाब, सुनाई नहीं दे रहा है। लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव लाइव देखिए आप। और ये एक तो छोटी ताजिया, ये देखिए बच्चों से लेकर बड़े इन्होंने बनाया है ये ताजिया, बहुत ही खूबसूरत ताजिया। या हुसैन या हुसैन, माशाल्लाह हुसैन ने अपने औलादों को कटवाकर इस्लाम को जिंदा किया और उन्हीं की याद में ये महफिल का इनकाद किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने खानदान को कटवाया, यजीद पलीद रहती दुनिया तक, देश तो नाबूद हो गया, लानत रहती रहेगी, उसे पलीद के नाम से दुनिया याद करती है। आज घर घर में हुसैन जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। कल सही बात है हजरत, कल यजीद था और आज हुसैन है, हुसैन है और कयामत तक रहेंगे। यजीद तो था लेकिन हुसैन आज भी है, कल भी है, कल भी रहेंगे, कयामत रहेंगे। और इसीलिए तो बोलते हैं हजरत, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये जज्बा हुसैनी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने ये शायर पढ़ा जी जी। और यकीनन इस अशआर को सुनने के बाद एक जज्बा इंसान के दिलों में जाग जाता है और हुसैनी लोग जो है मचल जाते हैं इसको सुनकर। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा ने मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। और कुछ हो जाए तो इंशाल्लाह यादें जो है और भी खूबसूरत हो जाएगी। जब अली को फातहे बदरे हुनैन कहते हैं, वाह वाह वाह, अली को फातहे बदरे हुनैन कहते हैं, हसन को सित्ते शहे मशरिकैन कहते हैं, है अब्बास जहाने सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। वाह वाह वाह, डिस्टर्ब कर दिया हजरत को, हुसैन कहते हैं माशाल्लाह। और एक शायर कहता है, और हजरत एक वो वाला भी हो जाए, जो दहकती आग के सोलों पे सोया वो माशाल्लाह, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन, शेर की मानिंद जो मक्तल में आया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, वो जो खूनी गम के सांचे में खुशी के ढाल कर और मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। शहीद आजम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन की शान में। और एक आशिक ने कहा था, कोई मिसाले शहे सैयदुस्सकलैन बन न सका, बन न सका, और नबी के नूर का दो नूरे ऐन बन न सका, नबी बने वली बने वसी बने खुदा भी बन गए, खुदा भी बन गए, लेकिन आज तक कोई हुसैन बन न सका। सुभान
अल्लाह सुभानअल्लाह। और कुछ हो रहा है हजरत जी बताइएगा। जी जी माशाल्लाह हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे बहुत सब साथ में जा रहे हैं, क्या है आगे भी। और हम फाइनली जो है महुआ दहा जो करबला बना हुआ है हजरत वहाँ पास आ चुके हैं। करबला के ताल्लुक से अब कुछ आपके साथ शेयर कर हजरत है। और करबला के मैदान से कबल इमाम हुसैन, तो ये देखिए जितने सारे लोग हैं आप देख रहे हैं। से कबल एक मुकाम पर रुके तो हुर बिन रियाही से मुलाकात हुई। अच्छा अच्छा। और उसके बाद नमाज मगरिब का वक्त आया, उस वक्त चश्मे पर कब्जा इमाम हुसैन का था। जी। तो हुसैन ने कहा हुर वजू करो, ये चश्मा है इसका पानी भी पियो, वजू करो और नमाज मगरिब का वक्त है, ये बताओ अलग नमाज पढ़ोगे हमारे साथ पढ़ोगे। हुर ने कहा था कि आप जैसा इमाम हो तो हमें इमामत की क्या जरूरत है, जरूरत है। हुसैन इब्ने अली आप शहीद है, आप सहाबी हैं, अल्लाह के महबूब के बेटे के बेटे हैं, यहीं चलते हैं। तो हुर के ने जब कहा कि मैं आपकी ही इक्तदा में नमाज पढ़ूंगा, उसी को शायर ने कहा नेजों के साए साए पढ़ना नमाज उल्फत, उल्फत नेजों के साए साए पढ़ना नमाज उल्फत, हसनैन की इमामत हर शख्स चाहता है, हसनैन की इमामत हर शख्स चाहता है। माशाल्लाह दोस्तों देख रहे हैं बारिश इतनी जबरदस्त हो रही है, फिर भी हुसैनी जो है अपने मकाम पर डटे हुए हैं और सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए अब फाइनली जो है ताजिया महुआ दहा में आ चुकी है और कुछ ही देर में ठंडे होने वाली है। तो इस तरह से जो है बहुत ही अच्छा, मतलब आसपास भीड़ भी कम नहीं हुई है, जहाँ तक देखेंगे आप पूरा दूर दूर से पूरा हुजूम हुसैनी लोगों, हुसैनी लश्कर जो है जज्बा ईमानी पूरे दे रहे हैं। चाहे आग हो पानी हो जो भी हो हजरत, आग हो पानी हो कुछ भी हो, लेकिन हम हुसैनी हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम तो हाजिर हैं। ये देखिए एक तरफ यजीद का लश्कर 22,000 था करबला के मैदान में और एक तरफ 72 थे अहले बैत अतहार जो इस्लाम के बता के लिए आए थे भूखे और प्यासे। जी। और ऐसा जज्बा था उनमें, भूखे और प्यासे थे मगर शेर की तरह उनके जिस्मों में ताकतों का डटकर मुकाबला कर रहे थे और कयामत तक 72 कितने हजार पर भारी हुई हजरत, बेशक 22,000 पर, 22,000 लश्करों पर भारी थे। जब इश्क जो है शबाब पर आता है ना, इश्क की जो हकीकत है वो शोदाए करबला इमाम हुसैन ने दुनिया को बताया। लोग इश्क का नाम सुनते हैं लेकिन इश्क की हकीकत हुसैन से पूछिए, इश्क के बादशाह हैं हुसैन, इश्क के शहंशाह हैं हुसैन, खुदा के इश्क में अपने खानदान अपने कुंबा को कुर्बान किया इमाम हुसैन ने अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी मंजिल की तरफ ताजिया बढ़ती अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पास थोड़ी देर के लिए ताजिया रुकेगी रखेंगे। हाँ। उसके बाद सलातो सलाम होगा और फिर लास्ट स्टेज जो कि महुआ दहा में ठंडे होती है वहां पर आएंगे। आगे चलिए हजरत। और फाइनली महुआ दहा में देखिए कितनी ज्यादा पानी है, कितना ज्यादा है। तो महुआ दहा में सब लोग कूद रहे हैं और बड़ा ही नेचुरल ब्यूटी जो है दिख रही है, बड़ा ही खूबसूरत नजारा। तो इस तरह से जो है अभी जब ताजिया आएगी ना उसका भी आपको। तो गाइस आपने देखा कि फाइनली जो हमारे गांव की ताजिया है, अनोखी ताजिया, वो पहुंच गई है महुआ दहा जहाँ ताजिया ठंडे होगी, बनने के बाद जो है ठंडे किया जाता है जो कि महुआ दहा में। तो इस तरह से इसका जो अभी तक फिलहाल जो ताजिया पहुँच के उसी तक वहीं तक का ब्लॉग रहेगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं ठंडे होने का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगा। कतली